सो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त एक्वेरियम सेटअप में आया हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं आपको मुंह से बोलना मैं बोल नहीं सकता हूँ, इस तरह इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। तो ये चीजें जो है मैं दिखा के ही समझ में आएगा। और ये दोस्तों एपिसोड 1 है और हम ये इसका सीरीज बनाने वाले हैं, काम करते हैं, असीम सर से डिस्कस करते हैं और बात करते हैं एग्जैक्टली। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो थैंक यू सो मच सर हमें बुलाने के लिए, इतना अच्छा लगा आप हमें स्पेशली बुलाएं। आई एम वेरी मच ओब्लाइज एंड थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो आपका पूरा नाम बताइएगा और आपका शॉप कितने साल से है सर, क्योंकि हमको तो पता है बहुत साल से, और सबसे बड़ा शॉप आपका ही है नागपुर में, तो नागपुर विदर्भा भी बोल सकते हैं ना सर। तो सर आप थोड़ा सा आपका नाम बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असीम निरंजन पॉल। Okay. और मेरा शॉप है धर्मपेट में झंडा चौक के पास। ओके okay. और मेरा जो ये शॉप का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1993 से। 1993, वाओ ग्रेट। ओके तो सर तब से तो बाप रे, आपके पास आपके इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आपको सब पता होगा अभी फिश का जो डिजीज बोलो, जो भी बोलो, फीड बोलो, क्या खाता है ना। तो हम लोग तो ये सीरीज निकालने वाले हैं और यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे चैनल के माध्यम से, है ना सर। बहुत अच्छा लगा। तो सर अभी सबसे पहले तो आपके जो बैकग्राउंड है, आपके बैकग्राउंड में मुझे कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्लांटेड एक्वेरियम्स दिख रहे हैं, तो सर थोड़ा सा एक बार दिखाना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। हाँ तो पहले कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करें? चलिए चलिए, वेरी नाइस। तो सर अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ जैसे ये जो आपने ग्रेवल्स डाले हैं जी, तो ये कौन सा है एग्जैक्टली? क्योंकि ये जो दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है। अच्छा अच्छा, प्लांटेशन सॉइल है, अमेजोन बोलते हैं वही है क्या? अमेजोन स्टोन, अमेजोनिया सॉइल है उस तरीके से। ओके ये जो प्लांट्स आप देख रही है एनबीएस नाना है, और ये जो ब्लैक फिशेस देख रहे हैं ये नियोन टेट्रा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं, देखिए बहुत सुंदर है। तो अभी ये कौन सा फिश है सर? एक छोटा सा अंबर टेट्रा है। अंबर टेट्रा ये नॉर्मली प्लांटेड एक्वेरियम ही है, मतलब प्लांटेड के लिए फिश है, मतलब वो पर्टिकुलरली ये फिश उसी के लिए है ना। वेरी नाइस। ये कौन सा है? ओके क्या, बहुत ही सुंदर है, बहुत क्लैरि कलर्स देखिए, बहुत वेरिएंट कलर्स है, बहुत ही ब्लू है, रेड कलर भी है इसमें, ब्यूटीफुल। तो सर ये जो फिशेस अभी आपने जो दिखाया, तो ये हमेशा आपके पास अवेलेबल रहते हैं? मतलब तो मतलब स्टॉक आते रहता है जी। तो हम लोग आगे के भी दिखाते रहेंगे। अभी जैसे एक एग्जांपल, जैसे आपका ये जो आपने फिश अभी जो बोल रहे हैं नियॉन, ये ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं? ये सोलिंग फिश है। अच्छा, ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं, प्लांटेशन टैंक के लिए स्पेशल, बहुत अच्छा फिश है। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इसका प्राइस वगैरह तो हम नहीं बताएंगे दोस्तों, तो ये जो भी है आप थोड़ा पर्सनली कॉन्टेक्ट करिएगा सर से, नंबर जैसे स्क्रीन में आ ही रहा होगा, आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। ओके चलो अभी सर यहाँ चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह मुझे दिख रहा है, यहाँ से चल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से करते हैं। तो ये कौन सा फिश है? ये ब्लैक फैंटम टेट्रा है। ब्लैक फैंटम टेट्रा, वाओ, ये प्लांटेड फिश है। सही, यूनिक में आता है थोड़ा, ये यूनिक फिश है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर फिशेस में नहीं है, बहुत सुंदर कलर्स है। तो ये कुछ मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है ये फिश, बहुत सुंदर। तो ये भी प्लांटेड एक्वेरियम में ही यूज, प्लांटेड एक्वेरियम में ही काम, एक्चुअली सेटअप भी आपका प्लांटेड एक्वेरियम है ना जी। वेरी नाइस, चलिए चलिए, वाओ। तो ये सर कौन सा फिश है? ये बहुत सुंदर, रेड कैप रेड आई एंजल है। रेड कैप रेड आई एंजल, रेड आई एंजल, ये भी रेयर फिश है। हाँ वेरी नाइस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये नॉर्मल इंजन से अलग है थोड़ा, है ना? नॉर्मल इंजन से अलग है। वेरी नाइस वेरी नाइस, अकॉर्डिंग से आती है। हाँ हाँ, जैसे कि ये बाजू में देखूंगा मैं, ये कुछ अलग दिख रहा है मुझे जी, बिल्कुल। तो एक सेकंड ये भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये थाई ग्लास कैट है। थाई ग्लास, बापरे। तो अलग ही कलर, ब्लैक कलर में है थोड़ा सा, है ना? ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, ओहो ट्रांसपेरेंट है, बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये सब प्लांटेड एक्वेरियम्स में आता है ना जी, बहुत सुंदर। और ये तो बहुत ही सुंदर है, रमिनोस है, रमिनोस। ये भी शायद ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं, ये सब प्लांटेशन फिशेस है, बहुत सुंदर, ग्रुप में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर कलर है, बैक देख सकता हूँ जैसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है उसका जो फिन्स में, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, तो बहुत सुंदर है। तो अभी ये तो अभी देख लिए हम लोगों ने,
तो अभी यहाँ पे अच्छा ये कौन सा है, कुछ नया दिख रहा है? येलो श्रिम्स है। श्रिम्स है जी, और येलो येलो श्रिम्स। इसमें अलग अलग कलर्स भी आता है? इसमें अलग अलग कलर्स भी आते हैं। तो अभी फिलहाल अपने पास में येलो येलो फायर श्रिम्स है। ओके ओके ओके। इसका ये क्या होगा, बच्ची है क्या, मतलब बेबीज है? ये बेबीज नहीं, ये फुल ग्रोन है। अच्छा फुल ग्रोन है, अच्छा अच्छा। तो ये मुझे ऐसा लगा प्लांटेशन टाइम में काम में आते हैं। अच्छा इसके साथ एलगी के लिए, एलगी रिमूव करने के लिए काम में आते हैं। ओके ओके। जैसे आपने जैसे बोला अभी बाकी फिशेस भी अपन ने देखे हैं, तो इसके साथ में ये रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं, मतलब थोड़ा कंबाइन करके थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं ना, आप इनको मिक्सर कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो ये कुछ दिख रहा है, ये सिकलेट होगा? ये प्लांटेशन नहीं है। हाँ ये नॉर्मल एग्जॉटिक सिकलेट है। एग्जॉटिक चिकलेट है, सिकलेट सिकलेट सिकलेट। और ये जो पैराडाइज फाइटर है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये बहुत सुंदर टैंक है। तो सर एक पूछना चाहूंगा आपको मैं, एक जैसे एक नॉर्मल सेटअप प्लांटेशन, सिंपल प्लांटेशन एक्वेरियम बनाने के लिए नॉर्मली साइज क्या होना चाहिए टैंक का? आप कोई भी साइज में कर सकते हैं, कोई भी साइज। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांटेड टैंक जो भी आप बनाते हैं उसका हाइट कम रखिएगा। हाइट कम जी, अगर हाइट आप ज्यादा रखेंगे तो आपको लाइट में बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो ये प्लांट पूरा डिपेंड करते हैं आपके लाइट के लिए। तो ये सब तो हम आगे के एपिसोड में डिस्कस होने वाला है आगे के, और बहुत एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी फिलहाल ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, थोड़ा सा मैं अंदर एक बार आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, आप भी दो सेकंड। इतना बड़ा बहुत ह्यूज टैंक है सर, इसका साइज क्या होगा? ये 8 फीट लेंथ में है, हाइट में 4 फीट है। ब्यूटीफुल। विड्थ में 2 फीट है। ब्यूटीफुल स्पेक्टेकुलर। सर क्या कलर है इसका, इसका एज क्या होगा सर ये गुरामी का? ये मेरे पास 3 साल से है। 3 साल से है। बहुत सुंदर। ये मुझे ऐसा लगता है आपका डिस्प्ले टैंक है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप होता है तो दे भी सकते हैं, मतलब जी बिल्कुल। वेरी नाइस। तो बहुत ये एक्चुअली इम्पोर्टेड में आते हैं क्या? जी ये एक्सोटिक ऑस्ट्रेलिया है। एक्सोटिक है सर, ये देखिए ह्यूज साइज। इसका साइज क्या होगा सर एक एक? ये जो ऑस्कर्स है हाँ, ये 10 इंच है। 10 इंच बहुत सुंदर। ये एक्चुअली फुल ग्रोन है, अडल्ट है? फुल ग्रोन है। फुल ग्रोन। इसमें कुछ ये देखिए, ये कौन सा कलर बोलते हैं इसे? ये गोल्डन ऑस्कर है। गोल्डन ऑस्कर। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ये देखिए जैसे ये देखिए बहुत ही सुंदर है नीचे, तो बहुत सुंदर है कलेक्शन। और ये सब चीजें और ये चैनल पे आई ये दोस्तों, अभी एक एक करके थोड़ा छोटा सा अपन कवर कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत सुंदर कलेक्शन ऑफ ह्यूज कलेक्शन ऑफ फिशेस विद प्लांटेड एक्वेरियम एंड सेटअप, इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो सैंड डाला है सर, वही सैंड है? जी बिल्कुल, ये लावा सैंड है। लावा सैंड है। ओके, तो इसका टैंक का साइज क्या होगा? ये 5 फीट लेंथ है, हाइट 1 फीट है। हाँ बड़ा साइज है। ओके वेरी नाइस। तो इस तरीके से जैसे कि आपने बताया था बड़ा छोटा बना सकते हैं। बिल्कुल। वेरी नाइस। तो ये फिश कौन सा, नाम क्या है फिश का? ये स्कारलेट रेनबो फिश है। अच्छा, एंड देन ये वाला बार्ब है। बार्ब बार्ब। अच्छा, और वेरी नाइस। तो अभी मार्केट में एक्चुअली सर ट्रेंड अभी प्लांटेड एक्वेरियम का ज्यादा है। जी बिल्कुल, ज्यादा ट्रेंड है, और उसी में ही लोगों को ज्यादा क्रेज है, मतलब है ना। फिर सुंदर भी दिखता है, मेंटेनेंस भी ज्यादा नहीं है उतना। मेंटेनेंस तो है, मेंटेनेंस उतना नहीं है, बट वही मॉन्स्टर रखेंगे तो है। प्रॉपर नॉलेज है, आप सब चीज प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपको मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, आप एंजॉय करेंगे एक्वेरियम को। वही इम्पोर्टेंट, बहुत लोग एक्वेरियम लेके जाते हैं और उसको उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण से उनको बहुत बड़ा तकलीफ हो जाता है। यस यस यस, ऑब्वियसली राइट, वेरी मच राइट। सर ये कौन सा कलर है सर? बहुत सुंदर डार्क कलर। पैरेट फिश है। पैरेट फिश है, बहुत ये इसका अच्छा साइज, बड़ा साइज लग रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा बढ़िया साइज है और बड़ा साइज है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जिनको भी लग रहा है ऐसे फिशेस लेना है तो सर से कांटेक्ट करिएगा, कांटेक्ट करिए करके आइएगा। सर को आप व्हाट्सअप करेंगे कि कॉल कर सकते हैं आपको, कैसे जो आपको जैसा भी ऑप्शन रहेगा वैसा कर सकते हैं सर। एक बार नंबर आपका थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नंबर है 9422106108। सर इसमें व्हाट्सएप एंड कॉलिंग दोनों होता है? दोनों होता है। ठीक ठीक सर, चलिए कंटिन्यू करते हैं सर। सो ये जो है ये स्मॉल एरोना लग रहा है, सिल्वर एरोनाज है ना सर? स्मॉल साइज के है। तो स्मॉल मतलब थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है मुझे, फिर भी कितना इंच? 6 इंच है। ओके ओके वेरी नाइस। देखिए बहुत सुंदर है, वेरी नाइस। तो इसमें कुछ मुझे बड़ा भी दिख रहा है, ऊपर थोड़ा लाइट कम है बट फिर भी अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं। तो ये बड़ा साइज का है, बड़ा साइज का। कितना साइज होगा फिर? 28 इंच। 28 इंच। वेरी नाइस वेरी नाइस।
तो और एक बात बताओ, ये सर ये जो आपके पास कोई दिख रहा है तो ये जापानीज कोई है, राइट? किसकी काबुताई कोई भी है? कलर बहुत सुंदर है, वो साइज बड़ा है क्या सर उसका? काबुताई कोई है। क्या नाम है सर? काबुताई कोई। काबुताई कोई, ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जिनके यहाँ पॉन्ड है वो लेके जा सकते हैं ना, पॉन्ड में लोग लेके जाते हैं नॉर्मली। आजकल कोई पॉन्ड के लिए ही पसंद करते हैं। पॉन्ड के लिए पसंद करते हैं, बहुत अच्छा है। चलिए, और कुछ गोल्डफिशेस हैं, जैसे ये कौन सा गोल्ड है? रेड रैंचू, ओके, वेरी नाइस। और थोड़ा यूनिक कलर, बहुत डार्क कलर में है, बिल्कुल बहुत सुंदर। ये देखिए इसमें, ये रेड कैप रैंचू है। रेड कैप रैंचू, तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है सर ये गोल्ड फिश का? नॉर्मली इसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ, बहुत ज्यादा है सर। हमारे यहाँ तो मर जाती है। नहीं, आप अगर इसमें प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए तो आपका गोल्ड फिश का लाइफ आपको बहुत ज्यादा, गोल्ड फिश का 50-52 ईयर्स का रिकॉर्ड भी है। बाप रे, वही प्रॉपरली रखेंगे तो प्रॉपरली रखेंगे तो रहेगा वही। ये सब चीजें आगे, गोल्ड फिश इतनी अच्छी फिश है, आप क्या अगर कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आगे आपको इसमें डिस्कस करूंगा, yes. वो सब अगर छोटी छोटी चीजों को आप मेंटेन करेंगे, बिल्कुल, तो आपको फिश पालना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और कुछ यहाँ प्लांटेड टैंक्स भी है, कुछ ऐसे दिख रहे हैं ना दोस्तों। और अभी एक्चुअली मेन वीडियो हम लोग, आज फर्स्ट वीडियो है तो हम थोड़ा बहुत निकालेंगे, बाकी तो हम लोग निकालेंगे। सर ये कौन सा फिश? ये पोलर टाइप है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये बहुत सुंदर है, देखिए। और साइज थोड़ा ठीक ठाक बड़ा है, अच्छा साइज है, मतलब वेरी नाइस। ये 2 इंच के है। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बहुत सुंदर है सर, ब्यूटीफुल। ये तो पूरा मॉल जैसा दिख रहा है उसका हेड। ये मॉन्स्टर कॉक है। मॉन्स्टर कॉक है, ओके। सुपर रेड ड्रैगन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका फीडिंग में क्या देते हैं सर? इतना सुंदर है, मैं नॉर्मल पैलेट्स ही देता हूँ। नॉर्मल पैलेट्स। हाँ। और डिवॉर्मिंग वगैरह आप रेगुलरली करवा देते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, सो नाइस। इसका डिवॉर्मिंग वगैरह कराना भी जरूरी है? बिल्कुल, अगर आपको फ्लावरन पालना है। हाँ। उसको लंबे समय तक रखना है। हाँ। आपको डिवॉर्मिंग करना बहुत कंपलसरी, बहुत ज्यादा जरूरी। और उसके साथ साथ आपको प्रॉपर जो डाइट रहता है फ्लावरन का, वो भी आपको समझना पड़ेगा और वैसे ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बड़ा साइज है, ये इसका साइज क्या होगा अप्रोक्सीमेट? ये 6 इंच, 6 इंच का। जैसे ये थोड़ा स्लाइट छोटा है, ये स्लाइट छोटा है, बट इसका हेड अच्छा बड़ा लग रहा है, हेड उससे ज्यादा अच्छा। हाँ, क्योंकि हेड ज्यादा बड़ा है। हाँ, ये 4.5 इंच का है। 4.5 इंच का है, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। तो जो भी प्राइस, जो भी डिस्कस करना है कॉल करिएगा, जो आपको लेना रहेगा, है ना? तो ये भी उसी के इक्विवेलेंट सेम? बिल्कुल, ओके ओके। ये भी 6 इंच का है। 6 इंच का है, वेरी नाइस। ये देखिएगा, ओके दोस्तों, सब एक्टिव है, देखिए बहुत एक्टिव। चलिए सर, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो। ये इतने ग्रुप में सर, प्लांटेड एक्वेरियम के लिए भी काम में आता है। ये कलर वीडियो फिश है, बहुत सुंदर, ये देख सकते हैं, बहुत सुंदर फिश। तो अभी नीचे हम लोग देखते हैं, मैंने ध्यान ही नहीं किया, मेरा सर ने बोले कि निकालना, देख कितना अच्छा कलर है, ब्यूटीफुल सर। क्या कलर में? ग्रीन कलर में दिख रहा है। वाओ, बहुत सुंदर शाइन हो रहा है सर इसका, बिल्कुल ब्यूटीफुल कलर है एकदम। सब वैरायटी आपके पास अवेलेबल है मतलब? सर इतना अच्छा लगा सर, आपने इतना वैरायटी आपने दिखाया है, इतना खुश हूँ मैं। और शायद माल स्टॉक अभी आया हुआ है आपके पास, है ना? रेगुलर स्टॉक आता है, तो शायद वीकली बेसिस में आता है कि कैसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जब भी स्टॉक जो कम गिर जाता है, एक्चुअली मैं यहाँ पे जो है, ये सब मेरा सेल का टैंक है और मेरा क्वारंटाइन अलग है। अच्छा। हाँ, इसलिए मेरा स्टॉक है यहाँ पे, आपको रेगुलर मिलेगा। मैं फिश को पहले क्वारंटाइन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे से। राइट राइट, क्वारंटाइन करना भी जरूरी है, बिल्कुल, वेरी मच। मैं आगे में आपको क्वारंटाइन भी दिखाऊंगा, बिल्कुल, वो सब चीजें तो आप बताने वाले हैं। और बहुत लक्की रहेंगे हमारे व्यूअर्स की, हमारे इसमें दिखेगा और मैं भी लक्की हूँ। चलिए सर, हम लोग थोड़ा सा ऊपर का भी एक बार टैंक दिखा देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं ये वीडियो, है ना? चलिए सर। तो सर मुझे रहा नहीं गया, पहले तो मैं वीडियो निकाल लेता हूँ उसका। तो सबसे पहले तो सर, ये इतने मॉन्स्टर साइज हैं, कितने साल हो गए सर इसको आप डेवलप? 3 साल के। ब्यूटीफुल। और मैं देख सकता हूँ जैसे कि पाकू है इसमें। हाँ, ये अल्बिनो पाकू है। अल्बिनो पाकू, बहुत सुंदर है, देखिए इसका साइज तो बहुत बड़ा होगा सर, कितना होगा? ये 15 इंच है। 15 इंच, बाप रे। तो ये फीडिंग में क्या खाते हैं वैसे? ये नॉर्मल पैलेट्स और श्रिम्प्स। तो आपकी खासियत बहुत बढ़िया है कि आप पैलेट खिलाते हैं इतने बड़े फिश को, तो वेज नॉन वेज कुछ नहीं खिलाते हैं? मैं श्रिम्प्स देता हूँ, श्रिम्प्स देता हूँ और पैलेट्स देता हूँ। पैलेट्स और श्रिम्प्स जो मैं अच्छे क्वालिटी के देता हूँ, इसी से इनका हेल्थ इतना मेंटेन रहता है और कलर पूरा मेंटेन रहता है। बहुत बड़ी बात है।
तो जैसे ये एक टैंक है, बहुत कर्व टैंक है थोड़ा, तो ये टैंक का साइज क्या होगा सर? बहुत सुंदर टैंक है ये, है आपका 7.5 फीट का टैंक है। 7.5। इस तरीके के कस्टमाइज टैंक तो आप हर जगह बनाए हो, तो जस्ट वीडियो में एक बार बता दीजिएगा तो बनता ही है ना। जो भी आप साइज देंगे वो बन जाएगा, मतलब कस्टमाइज टैंक बन जाएगा। बहुत सुंदर देख सकते हैं दोस्तों। सर इसका साइज क्या होगा और कौन सा? चिल्ली रेड आरोना है। मॉन्स्टर है। तो इसका साइज क्या होगा सर लगभग? ये 25 इंच का है। 25 इंच, तो अभी रेडनेस तो अच्छा खासा आ गया उसका, है ना। देखिए इसको, ये विद सर्टिफिकेट है? नहीं, विद सर्टिफिकेट है, विद सर्टिफिकेट का है ये। ओके केनू का है। अच्छा ब्यूटीफुल। तो सर अभी सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि अभी ये फिश को आप तो पहले से खिलाते हैं, फूड खिलाते हैं, तो उस हिसाब से वो हेल्दी रहते हैं? बिल्कुल। बहुत लोग वो चिकन वगैरह खिलाते हैं तो वो गलत है ना? मतलब ये सब देखिए, चिकन वगैरह आप जब भी खिलाते हैं, हाँ, तो आपके पानी का जो वाटर पैरामीटर्स है, बिल्कुल, वो आपके बहुत ज्यादा उससे फर्क आने वाला है। बिल्कुल। और आगे में आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके फिशेज की मोर्टिलिटी हो जाएगी। हाँ भाई, पानी बहुत जल्दी करता है। क्या रहता है कि यूट्यूबर्स जो रहते हैं, हाँ, वो नया नया चीजें उन लोग लाते हैं, बिल्कुल, अपने चैनल को पॉपुलर करने के लिए, तो ये कारण से क्या होता है। लेकिन इसके जो कस्टमर लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं, सफर करते हैं, मतलब, तो उसमें उनको बहुत सफर करना पड़ता है। राइट, बिल्कुल। तो ये सब चीज आप ट्राई मत करिए, क्योंकि फिश को जो उसका कमर्शियल फूड है या तो वो दीजिए, ये नेचुरल कुछ फूड है जो आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी तरीके से। जैसे आप अगर लाइव फीड देते हैं तो आपको लाइव फीड को पहले क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उसको आइसोलेट करके उसको प्रॉपर आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कोई डिसीज वगैरह या कोई पैरासाइट वगैरह तो नहीं है। आफ्टर दैट आप उसको फीड करेंगे तो आपके फिश को अच्छा रिजल्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने। और आपके, मैं देखा जैसे कि आपके टैंक्स में कंजेस्टेड नहीं है सारे फिशेस, एकदम फ्री रहते हैं। मैं फिशेस, मैंने आपको बोला कि मेरा क्वारंटाइन अलग है। हाँ। मेरा क्वारंटाइन एक्वेरियम्स जो है वो मेरा बाहर में कहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वहाँ पे फिशेस को लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं पहले क्वारंटाइन करता हूँ, और मैं बहुत कम क्वांटिटी, जितना एक एक्वेरियम के साइज के हिसाब से मुझे लगता है कितने फिशेस सफिशियंट है उतना ही मैं रखता हूँ। मैं एकदम भर के कभी नहीं रखता, क्योंकि उससे क्या रहता है कि मेरे जो फिश का क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगा और फिशेस अनहेल्दी कभी नहीं होंगे। हमेशा आपको हेल्दी फिशेस मिलेंगे, अच्छे कलर बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि फिशेज देखिए, अगर मैं ज्यादा फिशेज रखूंगा तो अमोनिया साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा अमोनिया क्रिएट होगा पॉट में, जो कि फिश के लिए हार्मफुल है। कस्टमर तो लेके जाएंगे लेकिन बाद में फिश वो सफर करेंगे, क्योंकि अमोनिया दिखता नहीं है। और फिशेज जो है, अमोनिया शॉक अगर एक बार लग गया तो बाद में कस्टमर के यहाँ पे जाकर के कुछ दिनों के बाद में वो सर्वाइव नहीं करते, मोर्टिलिटी हो जाती है, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लाइंट को ये सब चीजें सफर करना पड़े। बिल्कुल बराबर। जैसे कि आप एक्सपीरियंस जो आपको तो सब ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स है, तो सही है, आपका भी बहुत बहुत सही कर रहे हैं आप। तो चलिए सर अभी एक क्लोज कर देते हैं, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम लोग अगले एपिसोड्स में आएंगे और रेगुलर वीडियोस डालेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और चलिए दोस्तों वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।